हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है ज्योमेट्री से, और एंगल दिया हुआ कि बस 65 डिग्री के, हाउ टू कंस्ट्रक्ट 65 डिग्री। सबसे पहले जो हमें इसमें काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन की जो है हमारे पास कोई कैद नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से जितने भी सेंटीमीटर की चाहें लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं 7 सेंटीमीटर की, अप्रॉक्स 7 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद जो है विद द हेल्प ऑफ कंपास या प्रकार हमें जो है उसको माउथ को अपनी मर्ज़ी से ओपन करना पड़ेगा। वो ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, बस नॉर्मल साइज़ का हो। उसके बाद आपको इन दोनों जो आपके पास लाइन की दो पॉइंट दिए हैं, इनमें से कोई भी आप एक पॉइंट ले लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया और फिर यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे आप इस तरीके से, हाफ सर्कल। इसके बाद जो है आपको जो यहाँ पे आपके पास जहाँ सर्कल का पॉइंट से टच हो रहा है वो आपकी लाइन, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट पे आप एक वो रखेंगे पॉइंट को, और यहाँ पे आप एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है सेम प्रोसेस आप ऊपर की तरफ से करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास आर्क बन रही है एक आर्क इस तरफ लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है आपके पास जो ये दो आर्क्स लगी हैं, इनको इनकी मदद से ऊपर आपको एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक इस तरीके से इस पॉइंट पे रख के, और फिर आपको इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से। उसके बाद जो है ये जो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल जहाँ बाइसेक्टर बन चुका है, ड्रॉ हो चुका है, वहाँ से आपके पास जो है नीचे वाले पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल स्ट्रेट। लाइन को जब हम ड्रॉ कर देंगे, लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है आपको बिल्कुल ही इस तरीके से, लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। होना ही चाहिए कि आपका जो ये पॉइंट है उस पॉइंट से जो आपके पास बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है उससे मिलना चाहिए, तो वो हमारा थोड़ा सा दूर हो रहा है तुम्हारा, हम लाइन को स्ट्रेट बिल्कुल ड्रॉ कर देते हैं। और ऐसी लाइन जो बिल्कुल बस ऐसी हो कि बस वो सिर्फ आपको नज़र आए, तो वो पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर दी है बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद जो है आपको जो आपके पास ये आखिरी वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो आपके पास जहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है यहाँ तक आपको माउथ इसका ओपन करना है। उसके बाद जो है ये जो आपके पास ऊपर वाला पॉइंट है, यानी कि इसके ऊपर वाला पॉइंट, यहाँ से जो है आपको एक आर ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पे रख के आपके पास ऊपर वाले पॉइंट से एक आर्क ऊपर की तरफ इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। ड्रॉ करने के बाद जो है आपके पास उसके बाद यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया आपने। उसके बाद जो है आप इसको इस माउथ को इतना खोलेंगे जितना आपके पास ये पॉइंट ड्रॉ हुआ हुआ था पहले से आपके पास सर्कल का पॉइंट, इधर तक ड्रॉ करने के बाद जो है इसको भी सेम प्रोसेस अप्लाई करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ पे हम दूसरी आर्क लगा देंगे। अब इसके बाद जो है हमारे पास इसके जितने भी पॉइंट्स आ गए इनको हम नाम दे देंगे कि हमारे पास ए पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट, एफ पॉइंट और जी पॉइंट। पहले हम नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ और ये जी। इसके बाद जो है आपके पास ए से जी तक जो है आपको माउथ को खोलना पड़ेगा, ए से जी तक। तो यहाँ मैंने खोल दिया ए से जी तक, इस ए से जी तक इसको कंप्लीट कर देते हैं पूरा। ए से जी तक खोलने के बाद जो है आपको एक यहाँ से एक आर ड्रॉ करनी है इस तरीके से। आप जो है एक आर ड्रॉ करेंगे ए से जी तक पहले ओपन करने के बाद। उसके बाद जो है आप लोग अगला जो काम करना है वो आपको ये करना है कि आपको ई से लेकर सी तक माउथ को ओपन करना है। ई से सी तक के माउथ को ओपन करने के बाद जो है आप लोग इसको ये जो आपके पास बी पॉइंट है लेकिन बी पॉइंट पे रखेंगे, और यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से। अब जो आपके पास ये जो आर्क आ रही है, यानी कि जो आपके पास बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया आपके पास, इसको जो है हम ई पॉइंट से मिला देंगे, यानी कि इस बाइसेक्टर को हम ई पॉइंट से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो ये ज्वाइन हो गया हमारे पास।
अब जो ये हमारे पास ज्वाइनिंग वैल्यू आई है, इसको हम लिख देते हैं 65 डिग्री। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये आया हमारे पास 65 डिग्री है या नहीं है। तो हमने विद द हेल्प ऑफ, तो ये देख लें आप कि यहाँ पे आपके पास ये बिल्कुल 65 डिग्री पे ही आ रहा है। अगर हम डी की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से इसको चेक करेंगे, तो ये हमारे पास बिल्कुल 65 डिग्री पे ही आ रहा है। थैंक यू।